हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को चिकन करी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो फिर चलिए देखते हैं। तो चिकन करी हम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 से 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है। तो अब मैं इनके मसाले तैयार करूंगी। मसालों में मैंने लहसुन ली है और जिंजर लिया है। लहसुन 3-4 पीस लहसुन और जिंजर आप देख रहे हैं मैंने कितना लिया। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद अब मैं इसमें गोलकी डालूंगी। आप देख रहे हैं मैंने कितना लिया है। और फिर इसमें अब मैं सूखे लाल मिर्च डालूंगी 5-6 पीस के करीब, आपको जितना तीखा पसंद हो। तो अब मैंने मसालों को तैयार कर लिया है ग्राइंडर में। और अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आप 2 से 3 स्पून डाल सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो। और अब मैं इसमें मिक्स गरम मसाला डालूंगी, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। और अब मैं इसमें ब्लैक पेपर की 6-7 दाने डालूंगी। और अब मैं इसमें अनियन डालूंगी। अनियन मैंने 4 से 5 बड़े बड़े काट लिए थे। तो अब मैं इसमें अनियन डालूंगी। और अनियन डालने के बाद अब मैं इसे गोल्डन फ्राई करूंगी। गोल्डन फ्राई करने के बाद अनियन को मैं उसमें चिकन डालूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अनियन को गोल्डन फ्राई किया है। अब इस समय मैं इसमें अब चिकन डालूंगी। और चिकन डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। और इसी बीच में हम आवश्यकता अनुसार सॉस डाल देंगे। फ्राई करते हुए बीच में हम सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सॉल्ट डालने के बाद अब हम इसे फिर से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। जब तक ये फ्राई अच्छे से ना हो तब तक हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। और अब मैंने मसाले एक बाउल में निकाल लिए हैं। और मैंने उन सारे मसालों का यूज़ नहीं किया। मैंने 3 से 4 स्पून मसाले लिए हैं। और उसमें अब मैंने रेड चिली पाउडर 1 स्पून डाला है, 3 स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ हल्दी लूँगी, हल्दी पाउडर। तो अब इन मसालों को मिक्सर से मैं डाल दूँगी चिकन में। आप चिकन को देख सकते हो किस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अनियन भी पूरे अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो अब मैं इन मसालों को इसमें डाल दूँगी। और मसालों के साथ मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाले कढ़ाई के तले में फटे ना। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके हम इसे ढक के तेज आँच पे इसे पकाएंगे जब तक कि ये पूरे मसालों के पानी सूख ना जाए और तेल ना छोड़ने लगे। और हम इसे बीच बीच में ढक्कन हटा के चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे बीच बीच में ढक्कन हटा के चला रही हूँ। तो आप देखिए इसमें तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे अभी तेज़ आँच पे पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तेल इसमें कैसे छोड़ दिया है। अब इस जगह पे हम इसमें चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 स्पून। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हमें इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं और तेल भी छूट चुका है। बस हम 4 से 5 मिनट और फ्राई करेंगे चिकन मसाला पाउडर डालने के बाद। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें से थोड़ा मसाले वाले और अब मैं इसमें से थोड़ा चिकन निकाल लूँगी क्योंकि मेरे घर में सबको सूखा चिकन खाना ज़्यादा पसंद है।
और इसको निकालने के बाद मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसे ढक के जितना आपको ग्रेवी की इच्छा हो उतनी ग्रेवी की इच्छा के अनुसार आप इसे पकाइए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कैसे ग्रेवी डाला था पानी, और ये ग्रेवी कैसा दिख रहा है।